पास करने के बाद अगर आपको पता है कि आपको क्या बनना है, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, तो आपकी लाइफ एकदम सेट होती है। अगर आप कंफ्यूज हो चीज़ों को लेके कि आपको बनना क्या है, तो लाइफ सबसे ज़्यादा झंड उसी टाइम होती है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके होते हो कि आपको समझ नहीं आता कि आपको करना क्या है। और ऊपर से हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी, इन सब का प्रेशर होता है, क्योंकि आप जहाँ भी जाओगे ना, सबका एक ही सवाल होगा, बेटा आगे क्या करोगे, क्या बनना है तुमको आगे। तो गाइस, हम सब लकी नहीं होते होते हैं कि डिसाइड कर पाए कि ठीक है, हमें कुछ बनना है और हम गोल बना लें। और ये सबके साथ हो भी नहीं सकता है, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते हैं, सबका अलग अलग IQ लेवल होता है और सब कोई अलग अलग अंडरस्टैंडिंग रखता है। तो जरूरी नहीं कि हर कोई डिसाइड कर पाए तभी कि उसको करना क्या है। सो गाइस, हियर आई एम टू टेल यू, अगर आप कंफ्यूज हो आपको करना क्या है 12th के बाद। सो हे गाइस, माय नेम इज शिवानी राजपूत, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अ टेल ऑफ रिजेक्शन। गाइस, 12th पास करने के बाद ना आपकी लाइफ का एक नया पड़ाव शुरू होता है, क्योंकि आप कॉलेज जाने वाले होते हो, आप अपनी लाइफ को फ्रीली इंजॉय करने वाले होते हो, क्योंकि यहाँ आते आते आपके पेरेंट्स का थोड़ा कंट्रोल कम हो जाता है। बट आपके पेरेंट्स आपसे ये जरूर चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा करो जिससे कि कल को आपकी लाइफ सेट हो जाए। और यार, टू बी ऑनेस्ट, हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी करते हैं या फिर हमारे पेरेंट्स जो भी हमें करने को कहते हैं ना, अल्टीमेटली वो पैसे कमाने के लिए ही होता है। आप इतनी सारी पढ़ाई करते हो, इतने सारे कोर्सेज करते हो, उसके बाद भी आपको अल्टीमेटली पैसे ही कमाने होते हैं, जॉब करके या फिर कोई बिजनेस करके। तो आप इस बात को डिनाई, आप जो भी कर रहे हो, अपनी पढ़ाई या फिर कुछ भी, वो सब कुछ एक ही गोल के लिए कर रहे हो, वो है आपका पैसा कमाना। आई नो लाइफ में बहुत सारे और भी गोल होते हैं, बट ये एक गोल ऐसा होता है जो कॉमन होता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, बट गाइज पैसे के बिना भी तो कुछ नहीं होता है। सो गाइज, फोकसिंग दैट, हम बात करेंगे आज की 12th के बाद अगर आप कंफ्यूज हो तो आपको क्या करना चाहिए। हम सबको पता है कि हम सारे लोग डॉक्टर, इंजीनियर, सीए बनने के लिए पैदा नहीं हुए होते हैं। सबके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटी होती है, बट होता है क्या है कि हमारी फैमिली का प्रेशर आ जाता है, हमारे फ्रेंड्स को जब हम देखते हैं कि वो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वो पीयर प्रेशर जनरेट हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम ना फैसला कर लेते हैं जो कि शायद हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं हो पाता है। सपोज मान लो आपको इंजीनियरिंग करनी नहीं थी, पर आपके दोस्त कर रहे थे, तो आप भी फ्लो के साथ बह गए और आपने इंजीनियरिंग कर ली, और इंजीनियरिंग के बाद रियलाइज किया कि यार आपका फोटो तो स्टैंड अप कॉमेडी था। अब गाइस, जिन लोगों में हिम्मत होती है वो तो इंजीनियरिंग को छोड़ के अपना करियर स्टैंड अप कॉमेडी में बना लेते हैं, बट बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर फाइनेंशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो चाह के भी जो बाद में उन्हें समझ में आता है करना चाहिए, उसे नहीं कर पाते हैं। तो हम इतना वेट ही क्यों करें, हम पहले ही फाइंड आउट क्यों ना कर लें कि हमें करना क्या है। सो गाइस, हैव अ लुक। देखो यार, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना कि आपको 12th के बाद क्या करना है, क्योंकि आप डॉक्टर बनना नहीं चाहते, इंजीनियरिंग करना नहीं चाहते और सीए आपका बस का है नहीं है। गाइस, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना कि आपको क्या करना चाहिए 12th पास होने के बाद, आपको किस जगह जाना चाहिए, क्योंकि आप डॉक्टर बनना नहीं चाहते, इंजीनियरिंग करना नहीं चाहते और सीए आपके बस का है नहीं है, तो डोंट वरी। अब आपको यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है जो आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन है, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपको ग्रो करने में। यहाँ पे तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन एकदम बहुत ज़्यादा हाई है, एकदम सपोर्ट कर सकते हैं आपको, या फिर आपकी फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो एवरेज है, या फिर आपकी फैमिली की कंडीशन जो है वो एवरेज से भी लो है। और आई थिंक हम में से बहुत ज़्यादा बच्चे जो कि सिल्वर स्पून लेके पैदा नहीं होते हैं, वो एवरेज और एवरेज बिलो वाली कंडीशन में ही रहते हैं। सो गाइज, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि 12th के बाद आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को एनालाइज कीजिए। अगर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाएगी आपको, तो आप अपने आप को ऐसा बनाइए जिससे कि आपकी फैमिली से डिपेंडेंसी खत्म हो सबसे पहले।
क्योंकि ये दिमाग में जब तक बसा करता रहेगा कि फैमिली को सपोर्ट करना है या फिर फैमिली से सपोर्ट लेना है, कब तक लेना है, तो ये आपको चीज कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। अब यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि आप करना क्या चाहते हो। जॉब, अब जॉब दो तरह की होती है, मतलब बहुत तरह की होती है, लेकिन बेसिकली हमारे जो सोसाइटी में ना, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, आपको किस जॉब में जाना है? अगर आप गवर्नमेंट जॉब के फेवर में हो तो आपको 12th के बाद किसी भी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहिए, जो भी सब्जेक्ट आपका फेवरेट हो उसमें, और साथ के साथ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। बिकॉज अगर ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका होगा तब तक, बिकॉज टाइम सबसे ज़्यादा प्रीसीसियस होता है। अगर आप साथ के साथ ग्रेजुएशन में प्रिपरेशन करते रहे ना, तो ग्रेजुएशन के बाद आपको जॉब मिल जाएगी इजीली और आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। ऐसे ही अगर आपका प्राइवेट जॉब में इंटरेस्ट है, तो अपने अंदर ना स्किल डेवलप कीजिए। जो भी स्किल्स होते हैं जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, लाइक आपको सॉफ्टवेयर के फील्ड में जाना है, तो बहुत सारी ऑनलाइन वर्कशॉप होती हैं जो कि बिल्कुल फ्री होती हैं। आप उनको अटेंड करो और अपने स्किल को इम्प्रूव करते जाओ, जैसे कि आप अपना ग्रेजुएशन पूरा करके एक अच्छी सी डिसेंट सी जॉब पा पाओ। और अगर आपका इंटरेस्ट कुछ क्रिएटिव चीज़ों में है जो कि बिल्कुल अलग है, तो आप ग्रेजुएशन तो करोगे ही, लेकिन साथ के साथ उन चीज़ों पर भी ध्यान दो जो कि आपको अट्रैक्ट करती है। क्योंकि बाय द टाइम आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि शायद आपको अच्छी लगती होंगी, लेकिन आप उनको नहीं कर पाओगे। तो ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो उसके प्रोसेस में। उसके बाद आपका जो टाइम वेस्ट होता है ना, कि ग्रेजुएशन के बाद फिर आपको धीरे धीरे करके चीज़ें समझ में आती है कि नहीं यार मेरा तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो टाइम आपका सेव होगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि टाइम ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बिकॉज अगर आप जॉब ही करना चाहते हो और यही जॉब आपने ग्रेजुएशन करने के बाद फिर से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना स्टार्ट की जॉब के लिए, और आपको फिर 1-2 साल लग जाएंगे, तो ग्रेजुएशन ये ऑलमोस्ट 3 साल का होता है, तो 3 से 4-5 साल आपके ऐसे ही चले जाएंगे और उसके बाद आपको जॉब मिलेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका कितना नुकसान होगा इसमें, क्योंकि आपने अगर ग्रेजुएशन के तुरंत बाद जॉब ले ली, तो आप तीसरा या चौथे ईयर में आप जॉब ले चुके होगे। बट अगर आपने 5वें या 6वें ईयर में जॉब ली, तो अगर 1 साल में आप 6 लाख रुपए कमाते हो, तो आप अगर 2 साल बाद जॉब लेते हो ना, 2 साल वेस्ट करके जॉब लेते हो, तो आपका पूरा 12 लाख रुपए का नुकसान होगा। देखो यार, ऐसे समझो जिससे कि आपका दिमाग ना थोड़ा काम करेगा। देखो यार, बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलोगे, शायद डिसएग्री होगे मेरे साथ, कि पैसे को लेके हम दिमाग में नहीं चल सकते हैं। बट पैसे को दिमाग में रखना पड़ेगा, बिकॉज जैसे हवा पानी हमारे लिए ज़रूरी है, आज के टाइम में सर्वाइवल के लिए आपके लिए पैसे कमाना भी बहुत ज़रूरी है। तो आई होप गाइस आप सबको समझ में आया होगा कि कैसे डिसीजन लेना है अगर आप कंफ्यूज हो तो। सो गाइस, अगर आप जानना चाहते हो कि कौन कौन से स्किल आप डेवलप कर सकते हो घर बैठे ही, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।